हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका द सेलेक्शन क्लासेस में। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपीएससी सीसेट 2023 का जो पेपर हुआ था, उसमें जो मैथ्स के क्वेश्चन थे, जो गणित के सवाल थे, उनका सोल्यूशन करेंगे, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप 2024 का यूपीएससी लिख रहे हैं, ऑफकोर्स आपको सीसेट पेपर देना पड़ेगा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि पिछली बार कैसे पेपर आया था और उसमें जो सोल्यूशन थे वो किस तरह से हो सकते थे, यदि हम जनरली बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले यदि हम क्वेश्चन देखते हैं मैथ के, तो पहला चार नंबर पे हमको एक मैथ का क्वेश्चन देखता है। क्वेश्चन क्या बोलता है कि राज एक व्यक्ति है और उसके पास एक बॉक्स है। उस बॉक्स में उसके पास कुछ रेड कलर के शूज़ हैं, कुछ ब्लैक कलर के शूज़ हैं और कुछ वाइट कलर के शूज़ हैं। तो कितने पेयर हैं? तो 10 जोड़े लाल, मतलब 10 पेयर रेड हैं, 9 जोड़े सफ़ेद, तो 9 पेयर उसके पास वाइट है और 8 जोड़ी ब्लैक है। ठीक है, तो एक जोड़ी में 2 जूते होते हैं, सबको पता है। तो यहाँ पे क्वांटिटी कितनी होगी? तो ये 20 हो जाएगा, ये 16 और ये 18। अब ये बोलता है कि आपको एक एक करके जूता राज में निकालता रहा, तो मैक्सिमम कितने तरीके हैं यदि उसको रेड कलर के जूते लास्ट में पहनने हैं? तो एक बात सोच के देखते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक बास्केट है, उसमें एप्पल रखा है, बनाना रखा और ऑरेंज रखा है, और ये आपसे बोला जाता है कि ऑरेंज निकालने के मैक्सिमम कितने तरीके हैं। तो आपको चीज़ों को वर्स्ट करना पड़ेगा। वर्स्ट मतलब उस चीज़ को बाद में सोचना पड़ेगा या बाद में निकालना पड़ेगा। तो पहले अटेम्प्ट में हो सकता है हम एप्पल निकाल दें, दूसरे अटेम्प्ट में हम बनाना निकाल दें, तो तीसरे अटेम्प्ट में फिर आप ऑरेंज निकालेंगे। मतलब 3 तरीके हैं। और यदि हमको मिनिमम करना है तो हम पहले ही अटेम्प्ट में ऑरेंज निकालना चाहते हैं। तो ये वर्स्ट का केस था बेसिकली, राइट। तो अगर हम बात करते हैं रेड, भाई हमको लास्ट में रेड चाहिए, तो पहले हम एक काम करते हैं, पहले ब्लैक निकाल लेते हैं। तो ब्लैक के कितने तरीके हैं? 16 तरीके हैं। भाई एक एक करके निकालेंगे तो 16 बार हमको ऐसे प्रोसेस करना पड़ेगा। उसके बाद यदि हम वाइट की बात करेंगे, तो वाइट 18 जूते हैं, तो 18 तरीके ये हो गए, तो ये 34 तरीके हो गए। अब जो बच्चा यहाँ पे गलती कर सकता है, उसको ये लगेगा कि 35वां जूता भी रेड होगा और 36वां जूता भी रेड होगा, तो 36 तरीके हो जाएंगे। लेकिन आपको मैक्सिमम करना है, तो एक दिमाग में घंटी बजे कि मैक्सिमम करने के लिए पहले हम या तो रेड कलर के सारे लेफ्ट निकाल देंगे या तो राइट निकाल देंगे। उससे क्या होगा, हमारे वेज मैक्सिमम हो जाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका मतलब हम रेड कलर के जो जूते निकाल रहे हैं उसमें हम सारे लेफ्ट निकाल लेते हैं पहले। तो कितने तरीके और होंगे लेफ्ट? भाई 10 जूते और होंगे लेफ्ट के, तो 44 वेज हो गए। अब जो 45वां तरीका होगा या फिर अगली बार जो राज जूता निकालेगा, तो इस बात की गारंटी हो जाएगी कि सारे तो रेड जो है वो लेफ्ट आ ही चुके हैं, तो 11वां जूता राइट में, मतलब रेड वाला राइट ही आएगा, तो फिर 45 तरीके इसमें। तो हम क्या करेंगे, इसमें +1 और ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको रेड जो है वो लेफ्ट मिला है, तो राइट के लिए एक जूता और चाहिए, तभी तो पहन के जाएंगे। तो 45 तरीके हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर 36 मार्क किया होगा, तो गलत ऑफकोर्स वो आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और एक क्रिकेट से जुड़ा हुआ सवाल बोलता है हमसे कि एक कोई बल्लेबाज है जिसको 25 रन बनाने हैं। कितने रन बनाने हैं? 25 रन। उसके पास लिमिटेशन ये है कि या तो वो सारे रन सिक्स में बना सकता है, या तो सारे रन वो सिंगल में बना सकता है, या तो सारे रन वो फोर में बना सकता है, या तो इनके कॉम्बिनेशन से बना सकता है। ठीक है, तो कितने ऐसे तरीके हैं? तो फिर से तरीके वाला सवाल है। मैथमेटिकली देखा जाए तो कोई ऐसा फॉर्मूला भी नहीं है, लेकिन अगर फॉर्मूले वाइज जाना चाहें तो एक चैप्टर है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, बट ये बिना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बड़े प्यार से सॉल्व हो जाएगा, तो थोड़ा केस बनाने पड़ेंगे। तो पहले हम मान लेते हैं 6, तो कितने 6 वो लगा सकता है? भाई मान लेते हैं 0 6 लगाया, या फिर वो 1 छक्का लगा सकता है, या फिर 2 6 लगा सकता है, या फिर 3 6 लगा सकता है, एंड ज़्यादा से ज़्यादा वो 4 छक्के लगा सकता है। इसके अलावा तो नहीं लगा पाएगा। 4 छक्के का मतलब 24 रन हो गए, तो एक सिंगल ले लेगा। तो अगर उसने मान लो 0 छक्के लगाए, इसका मतलब सारे के सारे जो रन है 25 रन वो चौके और छक्के से लगाएगा। उसके बाद वो 4 कितने लगा सकता है? अब भाई एक भी छक्का नहीं लगाया, तो हो सकता है या तो सारे सिंगल ले ले या चौके भी मारे कुछ, तो या तो 0 4 मार सकता है, 1 4 मार सकता है, 2 4, 3 4, 4 4, 5 4, 5 4, मतलब 5 चौके और 6 चौके, 6 चौक 24, 7 चौके तो नहीं मार सकता। तो मान लेते हैं उसने 0 चौके मारे तो 25 सिंगल लेगा वो। अगर उसने 1 चौका मारा तो 21 सिंगल लेगा। उसने 2 चौके मारे हैं तो 17 सिंगल लेगा।
तो आप बस चौके गिन लीजिए, बाकी तो सिंगल से रन बना ही देगा। तो इसमें कितने तरीके हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 तरीके हो गए। अगर उसने एक छक्का मार दिया भाई, अगर मान लो उसने एक सिंगल ले लिया, सॉरी एक सिक्सर मार दिया, तो अभी उस रन बनाने के लिए बचे हैं 19। कितने रन बनाने के लिए बचे हैं 19। अब 19 में वो कितने चौके मार सकता है, हो सकता है वो 0 चौका मारे, हो सकता है 1-4 मारे, 2-4 मार सकता है, 3-4 मार सकता है, 4-4 मार सकता है, 5 तो नहीं मार सकता, 5 चौके 20 हो जाएंगे। इसका मतलब कितने तरीके, 1 2 3 4 5, तो 5 तरीके ये हो गए। कितने तरीके हो गए, 5 वेज। ठीक है, अगर उसने 2 सिक्स मार दिए, 2 सिक्स का मतलब 12 रन बना चुका है, तो 13 भी बैलेंस है, तो 13 रन में वो कितने बाउंड्री लगा सकता है, 3 बाउंड्री लगा सकता है मैक्सिमम। तो यहाँ पे 0 4 1 4 2 4 और 3 4 मैक्सिमम, तो ये कितने तरीके आ जाएंगे, 4 तरीके। अगर उसने 3 छक्के मार दिए, तो 7 रन तो कुल बचे हैं बनाने के लिए, तो 7 रन का मतलब या तो 0 चौके मार सकता है या तो 1 चौका, बाकी तो सिंगल से बनाएगा, तो 2 तरीके ये हो गए। अगर उसने 4 छक्के बना दिए, तो 0 चौका मार सकता है, मतलब 0 चौके का मतलब 1 सिंगल लेना पड़ेगा उसको, तो 1 तरीका उसके पास ये बचेगा। तो टोटल कितने हुए, 7 5 12 4 16 2 18 और 1 19, तो 19 तरीके से वो 25 रन बना सकता है। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी, तो ऑप्शन नंबर इसमें बी करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चांदनी जब तक रात, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, इस नंबर को 100 से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर क्या होगा। बड़ा आसान सा सवाल है, 85 87 89 91 95 और 96, इसको 100 से भाग लगाना है। अब यदि हम किसी नंबर को 100 से भाग लगाना चाहते हैं, तो उसको तरीका एक बार मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ठीक है, भाग का मतलब क्या होता है, भाग का मतलब ये नहीं होता कि भागना, किसी को भगा दो। जैसे हम आपसे बोलते हैं कि 171 को हमको लाइक फॉर एग्जांपल 4 से भाग करना है, 171 को 4 से भाग करना है, तो कहने का मतलब क्या है कि हम ऐसे करेंगे भाई, ऐसे 4 चौके 16 अब 1, तो मैं भाई मुझे 4 से भाग करना है, लेकिन मैं 4 से दोबारा भी भाग कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि जो नंबर है वो 4 से बड़ा है। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको उतार लेंगे, तो 4 2 8 और 3 आपके पास शेषफल बचेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जब हम डिवाइड करते हैं किसी नंबर को, तो जो नंबर बाद में बचता है उसको भी हम डिवाइड करते हैं, जिसको बोलते हैं हम एक तरह से सक्सेसिवली हम उसको रिपीटेडली डिवाइड कर रहे हैं। तो इसमें क्या क्या हमको देखना है भाई, 5 से 19 जाएगा, 5 से 20 जाएगा, और 5 से 14 जाएगा, 5 से 17 जाएगा, 17 5 85 या 4 से जाएगा ये 24। तो सारा नंबर तो नीलबट्टा सन्नाटा, मतलब सब कुछ तो कैंसिल हो गया भाई, जब सब कुछ कैंसिल हो गया तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा 0 बचेगा जिसको बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, देयर विल बी नो रिमाइंडर। इसका मतलब ये जो नंबर है पूरा का पूरा 100 का एक तरह से मल्टीपल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है आपसे, यूनिट डिजिट। अब यूनिट डिजिट बड़ा इंपॉर्टेंट है, हर बार ही ऑलमोस्ट सवाल आता है ये यूनिट डिजिट का, 57242 की पावर 9 × 7 × 5 × 3 × 1। ठीक है, अब यूनिट डिजिट जब भी आपको निकालना होता है, तो 2 बातें आपको याद रखना, पहला कि यूनिट डिजिट निकालने के लिए यूनिट नंबर ही काफ़ी है, पहली बात, तो बाद में क्या लिखा है उसके आगे हमारे लिए कोई मतलब ही नहीं है इसका। अब दूसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें, कि जो पावर है, जो एक्सपोनेंट है, उसको 4 से डिवाइड करिए, किससे डिवाइड करिए, 4 से, और 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए, रिमाइंडर। और यदि रिमाइंडर 0 आता है, यदि रिमाइंडर 0 आता है, तो रिप्लेस पावर, जिसको एक्सपोनेंट बोलते हैं, बाय 4। अगर रिमाइंडर गलती से 0 आ जाए, तो पावर की जगह 4 लिख दीजिए, कितना लिख दीजिए, 4। इसका मतलब हमको इस नंबर को 4 से डिवाइड करना है, तो 4 से चलो डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करना बताता हूँ आपको भाई, 9 को डिवाइड करोगे 4 से, 4 2 8, 1 रिमाइंडर बचेगा भाई। यहाँ पे 7 से डिवाइड, 7 को डिवाइड करेंगे 3 रिमाइंडर आएगा, 5 1 4 1 4 एक बचेगा रिमाइंडर, यहाँ पे रिमाइंडर 3 बचेगा, और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये बचेगा 2 की पावर 9। फिर से भाग लगाएंगे 4 से, तो रिमाइंडर कितना आएगा भाई, 4 2 8, 1 रिमाइंडर आएगा, तो 2 इसका राइट आंसर है। मतलब जो यूनिट डिजिट है इसकी 2 आने वाली है, ऑप्शन नंबर ए में अवेलेबल है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, ये भी अच्छा सवाल है।
बोलता है ए बी सी और डी एफ दोनों ही तीन अंकों की संख्या है और जो है भिन्न शून्येतर, मतलब ये डिस्टिंक्ट है और नॉन जीरो है, राइट। तो ए बी सी और डी ई एफ ये जो नंबर है वो 1111, मतलब इनको जोड़ के आ रहा है 1111। तो इसमें बोलता है ए बी सी और डी ई एफ का मान क्या हो सकता है, मतलब ये जो ऐसा कैसा नंबर है कि आपको सम करना पड़े, आपके पास ये नंबर 1111 आ जाए। ठीक है, चलिए। तो अगर हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो ऑफकोर्स दिमाग में तो कुछ ना कुछ बनाएंगे भाई, क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो यदि हम तरीकों की बात करते हैं, 1111 लाना है तो वन लाने के, भाई वन लाने के जोड़ के, दो नंबर को जोड़ के वन लाने के क्या तरीके, या तो 1 10 हो सकता है, या तो दोनों हो सकता है, 3 7 7 हो सकता है, सॉरी 3 8 हो सकता है, 4 7 हो सकता है, 5 6 हो सकता है। इसको तो ले नहीं सकते क्योंकि ये डिजिट है, तो एक डिजिट एक ही अंक की होती है, तो ये तो पहला केस गायब हो गया। अब हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं। मान लेते हैं हम यहाँ पे 2 लिख देते हैं, तो यहाँ पे हमको 9 लिखना पड़ेगा, 9 2 11 हासिल का हो गया 1। ठीक है, अब हमारे पास हासिल 1 है, तो 1 हासिल का मतलब बाकी जो नंबर है वो 10 होना चाहिए, तभी तो 1 जोड़ेंगे 11 हो जाएगा। अब ये काम करते हैं, बी को हम भाई 2 तो हमने ले लिया, तो इसको 3 ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं 3, और इसको हम 7 ले लेते हैं, तो 7 और 3 कितना हो गया 10 और 1 11, फिर से कितना आ जाएगा 1 हासिल। अब फिर से क्या करना, आपको 11 बनाना है भाई, 11 बनाना है, तो 11 के लिए बाकी जो नंबर है तो उनका जो सम है वो 10 आना चाहिए, तो यहाँ पे हम 4 ले सकते हैं, यहाँ पे हम 6 ले सकते हैं। ठीक है, तो हो जाएंगी सारी कंडीशन फुलफिल। तो हम ये बोल सकते हैं कि 4 3 2 और 6 7 9। अब ये नंबर आप आगे पीछे कहीं भी रख लीजिए, आपके पास जो भाई ये जो सम है वो इतना ही आने वाला है, दैट इज़ 4 टाइम्स 1। तो इनको आपको जोड़ के बताना था कि इनका सम कितना होगा, तो 4 3 7 2 9, 9 9 18, 18 7 25 और 6 31, 25 और 6 31। हमने कोई ये नंबर यूज़ तो नहीं करा, दोबारा बिल्कुल नहीं करा। तो 31 इसका राइट आंसर है, 4 3 7 2 9, 9 6 15, 7 22 और 9 31, जो कि दे रखा है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है, डी कोई 3 अंकों की संख्या है, फिर से इस संख्या इसके कि इस संख्या क्या इसके अंकों के योगफल से अनुपात लघुत्तम है। मतलब क्या बोलना चाहता है कि 3 डिजिट नंबर है भाई, 3 डिजिट क्या है, नंबर है। अब 3 डिजिट नंबर जो आप लिखते हैं वो 100x + 10y + z में लिख सकते हैं, और इसकी जो डिजिट होंगी वो x + y + z होंगी। अब इसको जो रेशियो है इसको लीस्ट करना है, इसको क्या करना है, लीस्ट करना है, क्या करना है, लीस्ट करना है। अब ये जो लीस्ट होगा ये तब होगा भाई, लीस्ट की कंडीशन क्या है कि ये जो नंबर है ये मैक्सिमम होना चाहिए और ये जो नंबर है ये वाला ये मिनिमम होना चाहिए, तो हमारे पास इसका लीस्ट वैल्यू आ जाएगा। तो इसका हमको फिर पूछा है जो इसके यूनिट प्लेस है और जो इसके 100 प्लेस है डिजिट, उसका डिफरेंस निकालना है। तो अगर हम इसको मैक्सिमम करना चाहते हैं वाई और जेड को, तो ये जो है 9 हो सकता है, ये भी 9 हो सकता है भाई, मैक्सिमम 9 से बड़ा अंक तो कोई है ही नहीं, और प्लस ये हम इसको 100 × 1 ले सकते हैं, तो ये नीचे हो जाएगा 1 + 9 + 9, तो अल्टीमेटली कितना हो जाएगा 199/19। तो ये जो वैल्यू है ये लीस्ट आएगी, कितनी आएगी, लीस्ट। तो आपसे बोलता क्या है, इसका जो 100 प्लेस है, ये रहा 100 प्लेस, इसका 100 प्लेस कितना है, देखो इसका 100 प्लेस है 1, और इसका जो यूनिट बेस है वो 9 है, तो 9 और 1 का डिफरेंस लेना जो कि 8 आने वाला है, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है। थोड़ा सा मतलब मैथमेटिकली इसमें कुछ ऐसा फॉर्मुलेशन नहीं था, दैट इज़ कॉल्ड द अप्लाइड मैथमेटिक्स, मतलब जो आपने गणित पढ़ा उसको अप्लाई करना सीखो, दैट इज़ कॉल्ड द अप्लाइड मैथमेटिक्स। कहाँ गया, नेक्स्ट खुल जा सिम सिम। वाइट वाइट स्क्रीन हो जा रही है। एक और क्वेश्चन बोलता है, क्वेश्चन नंबर 16, किसी 3 अंकों की संख्या ए बी सी को डी से मल्टीप्लाई करा, भाई ए बी सी को मल्टीप्लाई किया गया है डी से और रिजल्ट क्या आया है, रिजल्ट आया है
भाई रिजल्ट जो आया है वो 37 D और D आया है, मतलब जो ये नंबर है और ये नंबर सेम आना चाहिए। तो ABC का मान बताना है, और ये बोलता है कि सारे के सारे नॉन जीरो डिजिट्स हैं, राइट, और डिस्टिंक्ट भी हैं। चल देखते हैं। तो आप ये बताओ, ऐसा कौन सा नंबर है जब इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो वापस यूनिट डिजिट वही आना चाहिए? जैसे हम आपसे बोलते हैं 7 × 4 करते हैं, तो आपको यूनिट डिजिट पे 8 28 मिलेगा, और यहाँ पे डी जो है 4 है। तो हमको ऐसा कोई नंबर सोचना है कि मैं मल्टीप्लाई करूँ तो वापस वही नंबर यूनिट डिजिट पे मिले। जैसे 6 और 4, तो 6 × 24, तो 24 का मतलब आपको यहाँ पे 4 मिल गया, और ये भी 4 है, इसका मतलब ये डी हो सकता है। तो हमको ऐसा नंबर सोचना है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, ठीक है? तो इसके लिए अगर हम इसको 6 मान लेते हैं और इसको 4 मान लेते हैं, तो यहाँ पे 6 × 24, 6 × 24 मतलब यहाँ पे 4 आ चुका है। तो यहाँ पे भी अब मुझे 4 चाहिए, यहाँ पे भी अब मुझे 4 चाहिए, और तो ये नंबर ए भी बचा है। अब 4 में मैं क्या गुणा करूँ जो ये जोड़ के फिर कितना आ जाए? 6 × 24 में 2 अभी आपके पास हासिल का भी खड़ा हुआ है, तो 4 में बी में क्या गुणा करूँ जो ये फिर से 4 आ जाए? तो अगर मैं आपसे बात करता हूँ, 4 किया 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा? 14, तो फिर से आपके पास 4 मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं डी की वैल्यू 3 हो गई, तो 4 किया 12 और 2 14 हासिल हो गया 1। अब हमको 37 चाहिए, 4 में क्या मल्टीप्लाई करूँ और +1 करना है जो 37 आ जाए। तो सबको पता चल गया सर ये तो 9 हो सकता है, भाई 9 × 36 और 1 37, तो आपके पास ये नंबर सारे के सारे डिकोड हो गए, बिल्कुल हो गए। तो लॉजिकली सोचना था, तो आपसे बोलता है ABC का वैल्यू बताना है, तो ABC का सम करना है, राइट, ABC का सम करना भी कर देते हैं सर। ए प्लस बी प्लस सी, तो ए की वैल्यू 9 है, बी की वैल्यू 3 है, और सी की वैल्यू 4 है, तो 9 और 3 12 4 16, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट है, 16 इसका आंसर है, ठीक है। 9 3 12, सॉरी सी का वैल्यू 18 है, सॉरी सी का वैल्यू 6 है, 6, तो 9 और 3 12 6 18, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। होपफुली ये भी आपको समझ में आ गया होगा। एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं आज की वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 17। एक्स वाई जेड के मानों के किसी भी चयन के लिए XYZ XYZ, तो हमारे पास एक नंबर है XYZ और XYZ, ये 6 डिजिट का नंबर है, तो ये जो नंबर है वो किससे डिवाइड होगा? तो मैंने शॉर्ट्स भी अपलोड करे थे पेपर से पहले करे थे कि भैया ये नंबर की प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए। तो मैं आपको फिर बता दूं, ये जो 6 डिजिट का कोई भी नंबर है, चाहे तो ये नंबर सेम हो सकते हैं 6 बार, और चाहे तो ये पेयरिंग में आ सकते हैं ABC ABC। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ 237 को गुना करो 1001 से, तो आपके पास जो नंबर मिलेगा वो 237 237, मतलब नंबर रिपीट हो गया 3 डिजिट का, ठीक है, रिपीट हो गया। या फिर आप ऐसा करके देख लीजिए कि 444 × 1001, तो आपके पास नंबर मिलेगा 444 444, ठीक है। इसका मतलब ये जो नंबर है वो 1001 है, ये जो नंबर है क्या है, किससे डिवाइड होगा? अगर हम इसको 1001 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो आपके पास ये जो चीज़ें हैं वो इस तरह से फॉर्म में आ जाएंगी। तो ये नंबर किससे डिवाइड होगा? 1001 से। अब 1000 जो एक है, 1001 1001, तो 1001 के यूनिट फैक्टर्स हैं जो कि 7 11 और 13 है, 7 11 13 7 11 13, तो बोलता है कि 7 11 और 13 ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। एक और बात मैं बता दूं आपको, ऐसे एक नंबर है जैसे अगर मैं आपसे बोलता हूँ AB, तो अगर मैं AB को 101 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये रिजल्ट AB AB आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं लाइक दोनों जगह ए ले लेता हूँ और 101 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आपको रिजल्ट AA देगा। इसका मतलब कोई भी 4 डिजिट का नंबर यदि वो पेयरिंग में रिपीट हो रहा है या फिर सारे जो डिजिट हैं वो रिपीट हो रहे हैं तो वो नंबर 101 से डिवाइड होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे के सोल्यूशन करेंगे। तो वीडियो कैसी लगी प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिए, और वीडियो को शेयर करिए और अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब करें सीसेट 2024 की प्रिपरेशन के लिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो मैं आपको सॉल्व करा ही रहा हूँ, और बाकी बहुत सारे शॉर्ट्स अपलोड करता हूँ तो जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय, टेक केयर।